नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर आपका टीएनसी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस में आपके लिए लेके आऊं एक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक देखेंगे आपकी आंखें जो है वो चकमका जाएगी दोस्तों। तो आज का हमारे पास में दोस्तों टॉपिक रहेगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और बहुत कम समय में जो है वो हम अच्छे से नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए या फिर जो है वो हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो इसका नॉलेज होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक में। तो आपको जो है वो आज का स्टार्ट टॉपिक करने से पहले जो है वो मोटिवेशनल लेना है दोस्तों, कि कुछ करो ऐसा उठे ऊंचाइयां, कुछ करो ऐसा झुकी नीचाइयां, अगर दोस्तों ऐसा ना होगा निगल जाएगी तुम्हें गहराइयां। तो दोस्तों, आज का जो है वो टॉपिक हमारे पास में आ गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, और आज के हमारे पास में जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्लास के अंदर। पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले जो हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब जो है वो स्टार्ट हुआ था, किसके अंदर आता है, और उसके बाद जो है वो किस किस तरीके से इसके टाइप होते हैं, जनरल वेस्ट क्या होता है, हॉस्पिटल वेस्ट क्या हो जाता है। उसके बाद जो है हम कलर कोडिंग पढ़ेंगे या स्टेप देखेंगे। मेन जो चीज है वो हमारे पास में स्टेप है। स्टेप यानी कि कौन कौन सी जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो स्टेप होती है। टोटल जो है वो दोस्तों 5 स्टेज होती है, जिनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, और उसी में हम कलर कोडिंग जो है वो देखेंगे। उसके बाद जो है वो इसी रिलेटेड हम एमसीक्यू देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो है वो कौन कौन से एमसीक्यू आते हैं, और लास्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट के बारे में कि मेन जो है वो एग्जाम में कौन से क्वेश्चन जो है वो बन के आते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे यहां पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास में आ जाता है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट या जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको दो तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है जनरल वेस्ट और एक होता है दोस्तों हॉस्पिटल वेस्ट। जनरल वेस्ट कौन सा होता है? जो हमारे घर परिवार में या जो घर पे जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं जनरल वेस्ट। और हॉस्पिटल वेस्ट कौन सा होता है? हॉस्पिटल वेस्ट होता है जो कि ड्यूरिंग जो है वो ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग डायग्नोसिस या ड्यूरिंग रिसर्च के टाइम पे जो हमारे पास में वेस्ट निकल के आएगा उसको हम बोलते थे हॉस्पिटल वेस्ट। क्लियर हो गया दोस्तों? तो वेस्ट को जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारे पास में जनरल वेस्ट और दूसरा होता है हमारे पास में हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट कौन सा आएगा? जो हॉस्पिटल के अंदर निकलेगा, यानी कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग जो है वो हमारे पास में प्रोसीजर्स, ड्यूरिंग रिसर्च, इस टाइम पे जो हमारे पास में जो वेस्ट निकलता है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हॉस्पिटल वेस्ट। जनरल वेस्ट आपको पता ही है, घर में रहते हैं, किचन में जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा जो है वो जनरल वेस्ट में आता है। क्लियर है दोस्तों? बहुत पहले तक जो है वो जनरल वेस्ट को भी जो है वो एक ही डब्बे में जो है वो डाल दिया जाता था, लेकिन दोस्तों आजकल जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है वो इसको भी जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो दो प्रकार का जो है वो वेस्ट डाला जाता है जनरल वेस्ट भी। एक होता है ड्राई वेस्ट और एक होता है हमारे पास में मॉइस्ट वेस्ट या वेट वेस्ट। क्लियर है दोस्तों? तो आपने जो है वो जनरली देखा होगा नगर पालिका की जो है वो गाड़ी आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है, और वो अनाउंस करती है कि आपको जो है वो वेस्ट को जो है वो सेग्रीगेट करना है। ड्राई वेस्ट को जो है वो आपको अलग डब्बे के अंदर रखना है, और जो हमारे पास में वेट वेस्ट होता है उसको जो है वो अलग के अंदर रखना है। वेट वेस्ट में कौन सा आता है दोस्तों? ऐसा पदार्थ या ऐसा वेस्ट जिसके अंदर जो है वो पानी की मात्रा होती है उसको बोलते हैं वेट वेस्ट। जैसे हमारे पास में जो है वो सब्जी बच गई, वो हो गया हमारे पास में लिक्विड, हो गया छाछ, दूध, दही, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में किस में आएगी दोस्तों? वेट वेस्ट में आएगी। और इसको जो है वो आप किस में डालोगे? ग्रीन में डालोगे। क्लियर है? और दूसरा आता है हमारे पास में ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट में जो है वो आता है हमारे पास में जैसे रैपर हो गए, कबर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में किस में आएंगे? ड्राई वेस्ट के बारे में। याद रखने का तरीका आपको जो है मैं बता देता हूं दोस्तों, कि जो गीला कचरा है उसको याद रखना ग्रीन में डालते हैं। याद रह जाएगा कि ग्रीन के अंदर जो है वो कौन सा डालते हैं? ग्रीन के अंदर हो जाएगा गीला। तो आप इससे जो है वो अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, ग्रीन और गीला। तो ग्रीन कंटेनर में जो है वो आपको गीला यानी कि वेट वेस्ट जो है वो आपको रखना है,
और ड्राई के अंदर जो बच गया ब्लू कलर का जो है वो हमारे पास में बच गया, वो हो गया ड्राई। हॉस्पिटल में जो है ये कलर कोडिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है, जनरल वेस्ट में ये हमारे पास में जो है वो कलर कोडिंग होती है। हॉस्पिटल में भी जहां पे जैसे हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर है उसमें हम जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सेटअप है हमारे पास में वार्ड है, आईसीयू है, ओटी है, उसमें हमें जो है वो इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि ब्लू कलर वहां पे जो है वो दूसरी चीज के लिए होता है। क्लियर है? तो यहां पे आपको जनरल वेस्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें आपको जो है वो कोई डाउट हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में दोस्तों हॉस्पिटल वेस्ट। तो दोस्तों हॉस्पिटल वेस्ट की जो है वो मैं बात करूं तो हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो हमारे पास में सबसे पहले जो है वो 1998 में जो है वो इसको एप्लीकेबल किया था, यानी कि सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग में हमारे पास में जो है वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है 1986 में जो है वो इसका गठन किया था। क्या किया था? 1986 में जो है वो सबसे पहले एक मैप बनाया गया था कि हॉस्पिटल में जो वेस्ट होता है उसको हमें सेपरेट रखना है या उसका मैनेजमेंट जो है वो हमें अलग रखना है। लेकिन इसको अप्लाई कब किया गया था? अप्लाई किया गया था दोस्तों 1998 में। तो आपसे अगर पूछे, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का सेटअप जो है वो कब से लागू हुआ है, तो दोस्तों 1998 में जो है वो लागू हुआ था। उसके बाद जो है वो उसमें कुछ कुछ चेंजेज है, 2009 में, 2014 में जो है वो कुछ कुछ चेंजेज आए थे। पहले जो था हमारे पास में शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग था, कुछ कुछ जो है वो चेंजेज आते रहते हैं। हम जो पढ़ेंगे वो आज के सीनियरियो का पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आज के सीनियरियो से आता है। तो दोस्तों 1998 में जो है वो इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो किसके अंदर आता है दोस्तों? वो आता है हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। सब जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बात करें एम्स वगैरह जो है वो किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आते हैं। ईएसआई वगैरह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एम्पावरमेंट के जो है वो लेबर और एम्पावरमेंट के अंदर जो है वो आते हैं। तो बहुत सारी जो है वो मिनिस्ट्री बनी हुई है। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो किसके अंदर आता है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। पहले भी जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए। तो आपको जो है वो दोनों चीजों को ध्यान रखना है, कब जो है वो लागू किया था और कब जो है वो कौन से के जो है वो अंडर में आता है। क्लियर है? उसके बाद आ जाता हमारे पास में स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमको ये तो पता चल गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के दौरान, प्रोसीजर के दौरान, रिसर्च के दौरान जो भी हमारे पास में वेस्ट निकलता है वो क्या कहलाता है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। के बायोमेडिकल वेस्ट नाम से पता चला, बायो मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल और वेस्ट आपको पता ही है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसका मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके को जो है वो हम पांच स्टेप में जो है वो डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप आता है यहां पे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है, पहले मैं चारों के बारे में जो है वो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद वन बाय वन करके जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। और पढ़ना आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से है, यानी कि पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जीवो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। छोटा टॉपिक जरूर है दोस्तों, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। और हमें तो जो है वो नंबर से मतलब है। हमें क्या करना है, हमें बड़ा लेके जो है वो क्या करना है? अगर छोटी चीज से दो पन्ने पढ़ के भी जो है वो हमें दो क्वेश्चन सही होते हैं तो क्यों हम जो है वो 20 पन्ने पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके का जो है वो ये टॉपिक है। सबसे पहले हो गया हमारे पास में सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, किसी भी चीज को जो है वो सेपरेट करना, वो आती है हमारे पास में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेप। भाई सबसे पहले वेस्ट आया, ठीक है, हॉस्पिटल से वेस्ट आया तो कौन सा वेस्ट जो है वो कहां जाना चाहिए, कौन से डब्बे में जाना चाहिए, ये जो सेपरेशन है वो कहलाता है हमारे पास में सेग्रीगेशन। क्लियर है दोस्तों? तो ये सबसे जो है वो पहली स्टेट होती है। और जो जैसे ही वेस्ट बन जाता है, जैसे ही हमारे पास में वेस्ट आया, जैसे हमने ड्रेसिंग की, जैसे ही हमारे पास में वेस्ट आया उसी टाइम पे जो है वो स्टेप जो है वो लागू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है सेग्रीगेशन की। तभी आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि अलग अलग जो है वो कोडिंग के डब्बे रखे होते हैं, उसी में हमें वेस्ट डालना होता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेग्रीगेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद वन बाय वन पढ़ेंगे। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में कलेक्शन एंड स्टोरेज। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो है वो सेग्रीगेट के लिए अलग अलग डब्बों में जो है वो जिस प्रकार का वेस्ट है उस प्रकार से हमने जो है उसको सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके जो है यानी कि सारे वार्डों से, जैसे हमने रेड बॉक्स इकट्ठा किया,
तो सारे वार्डों से जो है वो रेड बॉक्स को जो है हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, क्लियर है। रेड रेड का एक जगह और येलो येलो का एक जगह, व्हाइट व्हाइट का एक जगह, ये सारा जो है वो एक जगह कर लेंगे। उसके बाद उनकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आपने जो है वो पैकेजिंग करते हुए देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक जगह पर्टिकुलर होती है जहां पे उनकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग इन द सेंस उनके ऊपर लेबल लगता है कौन सा साइटोटॉक्सिक है, कौन सा जो है वो रेडी है, कौन सा जो है वो हजारियस है। ये सारा करने के बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक छोटी सी जो है वो आपने वैन देखी होगी जो बड़े हॉस्पिटल में आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। छोटे हॉस्पिटल में जो है वो छोटी साइकिल से जो है वो इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट, यानी कि जो हमारे पास में वेस्ट आ गया उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि वो जो वेस्ट हमारे पास में किसको जलाना है, किसको जो है वो दफनाना है, किसको जो है वो माइक्रोवेव में डालना है, किसको जो है वो रिसाइकल करना है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास में ट्रीटमेंट में आती है। और लास्ट आ जाती है हमारे पास में डिस्पोजल जो है वो लास्ट है कि ऐसा वेस्ट हम उसमें से जो है वो चूज कर लेते हैं कि कौन सा तो जो है वो रिसाइकल हो सकता है माइक्रोवेव होने के बाद और कौन सा जो है वो फाइनली डिस्पोजल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो पांच स्टेप निकल के आ गई। कौन कौन सी निकलेगी? सबसे पहले हो गया हमारे पास में सेग्रीगेशन, यानी कि जो है वो हमारे पास वेस्ट को सबसे ज्यादा जो है वो अलग करना। दूसरा आ जाता है हमारे पास में दोस्तों ट्रांसपोर्ट कलेक्शन एंड स्टोरेज, यानी कि कलेक्ट करना है और स्टोरेज करना है। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारे पास में पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद आ जाता है फोर्थ हमारे पास में ट्रीटमेंट, और लास्ट आ जाता है हमारे पास में डिस्पोजल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो हम ले लेते हैं सेग्रीगेशन में। और दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेग्रीगेशन से ही पूछा जाता है। क्या? सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में सेग्रीगेशन से पूछा जाता है। तो इसको जो है वो आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन हमारे पास में सेग्रीगेशन से आता है। तो दोस्तों सेग्रीगेशन में हम कचरे को जो है वो अलग अलग डालते हैं। इसके लिए जो है वो हम बेसिकली जो है पांच प्रकार के कंटेनर जो है वो यूज में लेते हैं। अब पांच प्रकार के कंटेनर जो है वो कौन कौन से यूज में लेते हैं उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है वो हम ले लेते हैं हमारे पास में रेड कंटेनर। रेड कंटेनर जो है वो पहला होता है। पहला इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ये सिक्वेंस है, आपको सिर्फ याद रखना है। एक कंटेनर जो है वो हमारे पास में येलो होता है, एक कंटेनर जो है वो हमारे पास में ब्लू होता है, एक कंटेनर जो है वो हमारे पास में व्हाइट होता है, एक कंटेनर जो है वो हमारे पास में ब्लैक होता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में चार कंटेनर, पांच कंटेनर जो है वो हमारे पास में सेग्रीगेशन में हम काम में लेते हैं। जिन जिन बच्चों ने जो है वो हॉस्पिटल में काम करे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने ट्रेनिंग के टाइम पे जो है वो ये पांचों प्रकार के डब्बे जो है वो देखे होंगे। वन बाय वन करके सब डब्बों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से डिब्बे में, कौन से बैग में जो है वो कौन सा जो है वो प्रोडक्ट डाला जाएगा। रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक, वन बाय वन करके जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये पांच डब्बे जो कि सेग्रीगेशन में काम में आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं रेड बॉक्स। तो दोस्तों रेड बैग की अगर हम बात करें तो इस तरीके से देख लीजिए, ऐसा जो है वो कंटेनर आपको देखने को मिलेगा। रेड बैग में जो है वो आपको मैं सबसे पहला जो है वो एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूं दोस्तों, कि जितने भी हमारे पास में जो है वो प्लास्टिक के आइटम है, ट्यूबिंग है, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो किस में जाएंगे? रेड में जाएंगे। तो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना है। जितने भी हमारे पास में जो है वो कंटामिनेटेड चीजें हैं, या हम कहें कि जो प्लास्टिक की चीजें हैं, वो सारे की सारी जो है वो किस में जाएगी? रेड में जाएगी। आप देख लीजिए प्लास्टिक की चीजें, बिना देखे आप अपने मन से बताइए, कैथेटर हो सकते हैं, आईवी सेट हो सकता है, निडल निकाली हुई सिरिंज हो सकती है, देन सक्शन कैथेटर हो सकता है, जितने भी हमारे पास में है वो सारे के सारे जो है वो किस में जाएंगे? रेड के अंदर जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? यूज ग्लव्स है, क्योंकि वो भी एक रबर के हैं। तो प्लास्टिक और रबर के आइटम जो है वो किस में जाएंगे दोस्तों? रेड के अंदर जाएंगे। एक जो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है यूरिन बैग जो है वो किस में जाएगा। दो प्रकार के बैग पूछते हैं एग्जाम में, एक ब्लड बैग और एक यूरिन बैग। हालांकि आजकल जो है वो ब्लड को येलो में डाल के अलग से भी जो है वो इसका दे दिया गया है, लेकिन हम पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में यहां पे आईवी सेट, यानी कि आईवी सेट जो है वो किस में जाता है? आईवी सेट जो है वो हमारे पास में जाएगा, आईवी सेट जाएगा हमारे पास में किसके अंदर दोस्तों? रेड के अंदर जाएगा। सेकंड आ जाता है हमारे पास में ट्यूबिंग। ट्यूबिंग क्या? जितनी भी हमारे पास में ट्यूब बची, जैसे हमने जो है वो
ट्यूब बची है हमारे पास में, एनजी ट्यूब बच गई हमारे पास में, सक्शन ट्यूब बच गई हमारे पास में, जितनी भी जो भी टीपीएन को जो लगी हुई ट्यूब थी वो बच गई हमारे पास में, वो सारे के सारी जो है वो किस में जाएगी दोस्तों, इसके अंदर जाएगी, आईवी सेट हो गया, ट्यूबिंग होगा। देन उसके बाद आता है यूज्ड ग्लव्स, सबसे ज्यादा जो है वो काम में आने वाला है, आपको पता ही है, जैसे आप जो है वो कोई भी प्रोसीजर करते हैं देन ग्लव्स को निकाल के जो है वो किस में डालना है, हमें ग्लव्स को निकाल के डालना है रेड में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्लास्टिक बोतल्स, प्लास्टिक बोतल जैसे आपने डीएनएस का किया, एनएस का किया, देन आपने जो भी जो है वो हमारे पास में इंजेक्शन दिया, उसके बाद जो प्लास्टिक की बोतल बच गई वो किस में जाएगी दोस्तों, वो जाएगी हमारे पास में रेड के अंदर। उसके बाद आ जाता हमारे पास में यूरिन बैग, यूरिन बैग जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज को भी जो है वो आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यूरिन बैग जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिन बैग जो है वो किस में जाएगा हमारे पास में, दैट इज रेड के अंदर जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिरिंज विदाउट नीडल, यानी कि जैसे हमने जो है वो इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद जो नीडल है उसको तो हम अलग से डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो सिरिंज बच गई उसको हम किस में डालेंगे, रेड के अंदर डालेंगे। नीचे जो मैंने आपको ब्लू कलर से लिखा है वो लिखा है इसका ट्रीटमेंट, यानी कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये रेड वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन आप कर दोगे, स्टोरेज आप कर दोगे, उसके बाद फाइनली जो है वो चीज कौन सी पूछी जाती है, ट्रीटमेंट में, यानी कि ये चीज जो है वो आपको सेग्रीगेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेग्रीगेशन के बाद कलेक्शन, सिंपल चीज है, कलेक्ट करना है, स्टोरेज करना है, पैकिंग करना है, तो लास्ट में आ जाता है हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। तो एग्जाम में जो है वो सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट होता है ऑटोक्लेविंग के द्वारा और माइक्रोवेविंग के द्वारा, ठीक है। अब ऑटोक्लेव के द्वारा कैसे करते हैं, डिस इन्फेक्शन एंड स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में ऑटोक्लेव जो है वो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, और वैसे भी आपने हॉस्पिटल में जो है वो देखते हैं, ऑटोक्लेव जो हो हमारे पास में स्टरलाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है मैक्सिमम जो चीजें जो है वो स्टरलाइज की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, ऑटोक्लेव के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है, एक तो क्या होता है ये चीफ होता है, दूसरी चीज क्या होती है कि इसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उनके स्पोर को भी जो है वो मार दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑटोक्लेव जो है वो ज्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको तो मारा ही मारा जाता है, उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास में जो उनके स्पोर है, स्पोर क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्पोर वो कंडीशन होती है जिसके द्वारा जो है वो बैक्टीरिया अपने आप को या वायरस अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर को मारना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, तो ये जो है वो ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस हम काम में लेते हैं। अब इसका एक बेनिफिट हो रहा है, ऑटोक्लेव कर देते हैं तो दोस्तों जो रेड बीन में जो हम डालते हैं या रेड बैग में जो भी हमारे पास में चीजें डाली जाती है वो मैक्सिमम चीजें जो है वो रिसाइकल कर ली जाती है। क्लियर है दोस्तों, इसलिए हम ऑटोक्लेविंग को जो है वो प्रेफर करते हैं। देख नेक्स्ट आता है हमारे पास में माइक्रोवेविंग में क्या होता है कि हाई वेवलेंथ की जो है वो हम इंफ्रारेड जो है वो छोड़ते हैं, उसके द्वारा जो है वो स्टरलाइजेशन किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, वो भी इसी कारण किया जाता है कि हम रेड वाले में जितने भी जो चीजें डालते हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो रिसाइकल हम कर लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये सारे जो है वो वापस से जो है वो काट पीट के वापस रिसाइकल में काम में आ जाती है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में येल्लो बैग में जो है वो कौन सा डाला जाता है। तो दोस्तों येल्लो से अगर आपको याद नहीं रहे तो एक चीज ध्यान रखना है कि रेड के अलावा जो चीजें या बॉडी पार्ट से रिलेटेड कंटामिनेटेड जो भी चीजें हैं, लिनन है, ड्रेसिंग है, सोयल ड्रेसिंग है, देन एम्पुटेटेड पार्ट है, एनाटोमिकली कोई पार्ट है, या फिर हम कहें कि जो मेडिसिन है, डिस्कार्डेड मेडिसिन है या साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है, वो सारी की सारी जो है वो किस में जाएगी, येल्लो के अंदर जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा गया, प्लेसेंटा के बारे में तो जो है कम से कम भी जो है वो 15 से 16 बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेसेंटा को जो है वो किस में डालेंगे। तो दोस्तों कोई भी जो है वो एनाटोमिकल पार्ट हो, प्लेसेंटा हो या एम्पुटेटेड पार्ट हो या बॉडी का जो है वो कोई भी पार्ट जो है वो रिमूव किया गया वो किस में डालेंगे, येल्लो के अंदर डालेंगे। दूसरी चीज, जितनी भी हमारे पास में ड्रेसिंग है, सोयल ड्रेसिंग है, पस की ड्रेसिंग है, जितनी भी हमारे पास में ड्रेसिंग है वो सारी की सारी हम येल्लो के अंदर डालेंगे। उसके बाद जितनी भी हमारे पास में एक्सपायर्ड मेडिसिन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक्सपायर्ड मेडिसिन है या साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है वो किसके अंदर डालेंगे दोस्तों, वो भी हम येल्लो के अंदर डालेंगे। और इसके ऊपर जो है वो साइटोटॉक्सिक का जो है
वो हमारे पास में मार्क का भी लगा हुआ आता है। अभी आगे जो है वो सब मार्क को हम पढ़ेंगे कि कौन सा मार्क का जो है वो क्या कहना चाहता है। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आ गया हमारे पास में ह्यूमन एंड एनाटोमिकल वेस्ट। ह्यूमन और एनाटोमिकल वेस्ट जो है वो किस में डालेंगे? येलो के अंदर डालेंगे। देन सोइल्ड वेस्ट, ठीक है ना, जो भी हमारे पास में सोइल्ड वेस्ट है, जो भी हमारे पास में ड्रेसिंग के बाद जो बचा हमारे पास में, वो सारा का सारा जो है वो किसमें डालेंगे? इसमें। नेक्स्ट ब्लड बैग, ब्लड बैग जो है वो भी इसके अंदर डाला जाता है। यूरिन बैग जो है वो हम रेड के अंदर डालेंगे, ब्लड बैग जो है वो इसके अंदर डालता है। कुछ कुछ हॉस्पिटल में ब्लड के लिए जो है वो अलग से कंटेनर दिया जाता है, जो कि हमारे पास में ब्लड बैंक जो है वो प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। तो लेकिन आपको जो है एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है, ब्लड बैंक जो है वो किसमें डालेंगे? येलो के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन। जो मेडिसिन जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई है या एक्सपायर्ड हो गई है, वो सारे के सारे मेडिसिन किसमें डालेंगे हम? येलो के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जो ड्रग्स जो है वो बहुत ज्यादा लीथल होती है, उसको हम किसमें डालेंगे? इसी के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में केमिकल वेस्ट एंड लिनन, ठीक है। केमिकल वेस्ट कौन सा हो गया? जितने भी हमारे पास में डिसइंफेक्टेंट है, क्लियर है, जो भी हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, इसोल सॉल्यूशन यूज करते हैं, सेवलॉन सॉल्यूशन हो गया, जितने भी डिसइंफेक्टेंट, हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो गया, ये सारे डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम काम में लेते हैं। तो जितने भी डिसइंफेक्टेंट है वो सारे के सारे जो है वो किसमें डालते हैं? इसके अंदर। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास में लिनन बेडशीट, जो कंटामिनेटेड लिनन एंड बेडशीट है वो सारे के सारे जो है वो किसमें जाएगी? येल्लो के अंदर जाएगी। तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। भाई ऑटोक्लेव तो जो है वो लिस्ट प्रायोरिटी पे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो है वो यहां पे यूज आने वाली चीज नहीं है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम करते हैं सबसे पहले इंसरेशन। इंसरेशन क्या होता है दोस्तों? इंसरेशन होता है किसी भी चीज को जला देना। और यहां पे एक जो है वो की पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, इंसरेशन जो है वो सबसे बेस्ट मेथड माना गया है बायोमेडिकल वेस्ट का। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंसरेशन जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड माना गया है, किसका? बायोमेडिकल वेस्टमेंट का। नेक्स्ट है डीप ब्यूरेल। डीप ब्यूरेल का मतलब होता है कि बहुत गहराई के अंदर जो है उसको दफना देना। तो दोस्तों एनाटोमिकल वेस्ट है, प्लेसेंटा है, तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं? बहुत गहराई में 2 से 4 मीटर के गड्ढे में जो है उसको दफना दिया जाता है, उसको बोलते हैं डीप ब्यूरेल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्लाज्मा पायरोसिस। प्लाज्मा पायरोसिस क्या होता है कि उसको जो है वो हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में ट्रीटमेंट है। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो समझना है कि ये चीजें जो है हमारे कोई काम के नहीं आने वाली, इसलिए हम क्यों ऑटोक्लेव करेंगे, क्यों माइक्रोवेविंग करेंगे, ठीक है। जो चीजें हमारे काम में आ सकती है उसको तो हम ऑटोक्लेव कर लेंगे, ताकि जो हमने जो है वो हमने मेहनत की है वो हमारी यूज में ला सके। तो ये चीजें जो है वो कोई यूज में नहीं आने वाली, इसलिए इसको जो है वो हम क्या करते हैं? इंसरेशन करते हैं, ड्यूब ब्यूरल करते हैं और प्लाज्मा पायरोसिस करते हैं। नेक्स्ट बैग आ जाता है हमारे पास में ब्लू। ब्लू बैग जो है वो हमारे पास में आता है 2009 से पहले, 2012 से पहले जो है ब्लू वाले को जो है वो दोनों तरीके से काम में लिया जाता। दोनों तरीके से कैसे? जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट थे वो भी इसमें डाले जाते थे, और जो ग्लास वायर्स है, शीशे के जितने आइटम है वो भी इसमें डाले थे। लेकिन आजकल क्या हुआ, सेपरेट कर दिया। ब्लू वाले में जो है वो ग्लास वायर जो है, एम्पुल वगैरह वो सारे डालते हैं, मेटेलिक पार्ट डालते हैं, किसी को जो है वो मेटेलिक रोड लगी है वो सारे के सारे जो है वो इसमें डालते हैं, और जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ब्लेड है, स्कालपेल है, सूचर है, निडल है, वो किसमें डालते हैं? हम व्हाइट के अंदर डालते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास में यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें डालते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में ग्लासवेयर, यानी कि वायल्स एंड एम्पुल्स। आपने इंजेक्शन तोड़ा, उसके बाद जो एम्पुल बचा वो भी इसी के अंदर डालेंगे। देन वायल, जो भी आपने इंजेक्शन खोला उसके बाद जो शीशे की वायल है, यहाँ पे एक चीज और है, जो ग्लास वायर है, मैंने यहाँ पे आपको अलग से लिख दिया, ग्लास वायर ही जो है वो आते हैं। अगर प्लास्टिक की है तो वो किसमें जाएगी? रेड में। क्लियर है? जैसे पीसीएम की बोतल है वो प्लास्टिक में आती है, तो प्लास्टिक वाली जो है वो किसमें जाएगी दोस्तों? वो जाएगी हमारे पास में रेड में। लेकिन अगर वो शीशे की है तो वो किसमें जाएगी हमारे पास में? ब्लू के अंदर में। तो जितने भी हमारे पास में वायल है और एम्पुला है वो सारे के सारे किसमें जाएंगे? ब्लू के अंदर। नेक्स्ट यूज स्लाइड, जो भी हम स्लाइड काम में लेते हैं, पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं या मलेरिया की जो है वो स्लाइड बनाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो किसमें जाएगी दोस्तों? यूज स्लाइड जाएगी हमारे पास में ब्लू के अंदर। उसके बाद आता है मेटालिक बॉडी इम्प्लांट। जो भी आपने रोड वगैरह या जो इम्प्लांट वगैरह है, इम्प्लांट लगा देते हैं, उसके बाद जब वापस उस इम्प्लांट को जो है वो निकाला जाता है, ठीक है, कोई सा भी इम्प्लांट हो,
वो सारा का सारा जो है वो किस में जाएगा हमारे पास में, इसमें जाएगा मेटेलिक इम्प्लांट जो है वो हमारा किस में जाएगा दोस्तों, ब्लू के अंदर जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि सीधे शब्दों में समझो तो आपको दो ही वर्ड याद रखना है, एक तो जितने भी ग्लासवेयर है शीशे की जो चीजें हैं वो इसके अंदर जाएगी, दूसरी इम्प्लांट। ग्लासवेयर और इम्प्लांट, ये चीजें अगर आपको याद रह जाएगी तो आपको सारी चीजें जो है वो याद रहेगी ब्लू के अंदर में। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, पहला आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको डिसइंफेक्शन से हम काम में लेके जो है वापस यूज में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोतल है, आपने जो है वो शीशे की जो बोतल है, अब उसका क्या बिगड़ा, उसमें हम क्या करते हैं कि उसको डिसइंफेक्शन करके जो है वो वापस रिसाइकल ले सकते हैं। रिसाइकल हम नहीं लेंगे, रिसाइकल के अलग प्रोसेस है, उस तरीके से रहते हैं। नेक्स्ट ऑटोक्लेविंग, ऑफकोर्स जो हमारे पास में ग्लासवेयर है स्लाइड है उसका ऑटोक्लेव करके रिसाइकल ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है माइक्रोवेविंग, यानी कि सीधे शब्दों में आपसे मैं बात करूं तो वो ये हो जाएगा कि जो चीजें वापस से हम यूज में ले सकते हैं वो सारी की सारी जो है वो हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग। की ऑफ द पॉइंट ये होता है कि कोई भी हमारे पास में कंटेनर हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो येलो हो, चाहे व्हाइट हो, जो चीजें हम यूज में ले सकते हैं, हम मतलब कि इन द सेंस जो चीजें रिसाइकल हो सकती है, उनका ट्रीटमेंट हम जो है वो ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेव के द्वारा करते हैं। जो चीजों का जो है वो यूज में या रिसाइकल नहीं हो सकती है उसको हम जो है वो इंसिनरेशन करेंगे, ड्यूप ब्यूरियल करेंगे, प्लाज्मा पायरोसिस करेंगे, जला देंगे, गाड़ देंगे या प्लाज्मा पायरोसिस कर देंगे। ये चीजें जो है वो आपको याद रखने, एक की पॉइंट के रूप में आपको चीजें बता रहा हूं। उसके बाद सेकंड लास्ट आ गया हमारे पास में व्हाइट कंटेनर। व्हाइट कंटेनर को जो है वो दूसरे नाम से जाना जाता है, पंक्चर एंड लीक प्रूफ कंटेनर। इसका दूसरा नाम है पंक्चर एंड लीक प्रूफ कंटेनर होता है, यानी कि ये जो है, बाकी वाले में तो क्या होता है कि पंक्चर प्रूफ नहीं होता, सिर्फ प्लास्टिक की जो है वो थैलियां होती है, उस प्लास्टिक की थैलियों को गांठ बांध के जो है वो रख दिया जाता है, लेकिन ये जो है वो पंक्चर प्रूफ होता है, यानी कि ये जितना भी भरता है इसका एक रोल है, 75% भरने के बाद जो है वो इसको क्लोज कर दिया जाता है। चलो ये है, मैं यहां लिख देता हूं, 75% भरने के बाद जो है वो इसको क्लोज कर दिया जाता है, पूरा जो है वो 100% इसको फिल नहीं करते हैं। 75% जैसे यहां पे मान लें 75% तक भरा, देन उसको जो है वो अच्छे से कंटेनर को पैक करके जो है वो लॉक लगा के, लॉक इसके अंदर खुद के आता है, ठीक है, लॉक लगा के रख देते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पंक्चर एंड लीक प्रूफ कंटेनर। पंक्चर यानी कि क्योंकि इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट है, नीडल है, तो दोस्तों किसी भी क्लाइंट को लग ना जाए, इसलिए ये पंचर प्रूफ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इसमें कि कौन कौन सी चीजें जो हम इसके अंदर डालते हैं। दोस्तों सिरिंज जो है वो इसके अंदर डालेंगे। सिरिंज जो प्लास्टिक वाली चीजें थी वो तो हमने रेड में डाल दी, लेकिन जो नीडल है, सिरिंज से मतलब है यहां पे नीडल। क्लियर है? तो यहां सिरिंज से जो है मतलब, ये नीचे मैंने लिखे रखा है तो दोबारा क्या लिखना, सिरिंज से मतलब है नीडल। नीडल जो है वो इसमें डालेंगे, सिरिंज जो है वो इसमें डालेंगे, एंड स्कैल्पल एंड ब्लेड जो हम सर्जिकल ब्लेड वगैरह काम में लेते हैं वो भी किसके अंदर डालेंगे, व्हाइट के अंदर डालेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखो आपको बताइए कि इसमें भी जो हो हम काफी चीजें जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं, तो इसके लिए हम उसको ब्यूरल भी नहीं करेंगे और हम इसको जो है वो माइक्रोवेव में नहीं करेंगे। क्या करेंगे इसमें सीधा सीधा देखा, दैट इज ऑटो एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, ऑटो एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। आपने स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में आपने देखा होगा कि दो प्रकार के स्टरलाइजेशन होते हैं, एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, एक मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो जो ऑटोक्लेव के अंदर होता है, ठीक है, या हम कहें दूसरे शब्दों में, एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का, वो आता है हॉट एयर ओवन। क्या है? हॉट एयर ओवन जो है वो सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में एग्जाम्पल है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। तो ये चीजें जो है हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो हम हीट एंड ड्राई एंड ऑटो हीट स्टरलाइजेशन के द्वारा इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हमारे पास में सबसे लास्ट आ जाता है, और वो आता है हमारे पास में ब्लैक। देखा भी होगा, सुना भी होगा और यूज में भी लेते होंगे। जनरल वेस्ट के नाम से जो भी हमारे पास में जनरल वेस्ट होता है, ठीक, जनरल वेस्ट जो होता है वो किसके अंदर जाता है, ब्लैक के अंदर जाता है। तो इसमें हमारे पास में पेपर हो गए, एम्प्टी बॉक्स आ गया, फूड एंड फ्रूट्स आ गया, कबर्ड्स आ गए, बोर्ड आ गए, जितने भी हमारे पास में नॉन इन्फेक्शियस चीजें हैं, यानी कि उन चारों को छोड़ के जो भी चीजें बची, पेपर बच गया, देन फॉइल पेपर बच गया, देन रेपर बच गया, ये सारे के सारे जो है वो किसके अंदर आते हैं दोस्तों,
जनरल वेस्ट के अंदर आता है, और जनरल वेस्ट का मैनेजमेंट आपको पता ही है, एमसीडी वाले जो है वो ले जाते हैं और उसको अच्छे तरीके से जो जो चीजें रिसाइकल होती है उसको रिसाइकल कर लेते हैं, जिसको जलाना होता है उसको जला देते हैं, और जिसको जो है वो हम फंडामेंटली काम में लेते हैं उसको ले लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे जो है वो हमारे पास में इनके जो स्टेप्स थे वो सारे के सारे जो है वो क्लियर हो चुके हैं। हमने चारों ब्लड जो है वो उसकी कोडिंग पढ़ लिया है। ये हमारे पास में चार थे, रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। मेरे साथ साथ जो है वो फास्ट फास्ट जो है वो रिपीट कर लो, उसके बाद हम एमसीक्यू पे जाएंगे। सबसे पहला था हमारे पास में रेड। रेड के अंदर क्या डाला जाता है फटाफट दोस्तों? रेड के अंदर डाला जाता है प्लास्टिक आइटम, आईवी ट्यूबिंग होगी, आईवी कैनुला हो गया, सक्शन कैथेटर वगैरह हो गया, ये सारी चीजें। इसमें एक चीज मैंने आपको स्पेशल बताई थी, दैट इज यूरिन बैग। तो यूरिन बैग भी जो है वो आपका इसमें आना चाहिए, बाकी जितनी भी ट्यूबिंग है वो सारी की सारी जो है वो इसमें आएगी। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो बताया था सिरिंज। प्लास्टिक की जितने भी आइटम है वो सारे के सारे किस में जाएंगे दोस्तों? रेड के अंदर जाएंगे। अब पॉइंट हमने जो हो आपको ब्रह्मास्त्र बताया था कि जो चीजें रीयूज हो सकती है उसमें हम किस तरीके से करते हैं, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग, क्योंकि रीयूज होने वाली है। सेकंड चीज आती है हमारे पास में येलो। येलो के अंदर क्या जाता है? बॉडी पार्ट्स डाला जाता है, उसमें आपका प्लेसेंटा भी आ गया, एम्पुटेटेड पार्ट भी आ गया, वो सारी चीजें आ गई। दूसरा डाला जाता है दोस्तों ब्लड बैग, जो है वो इसी के अंदर डाला जाता है। तीसरी चीज जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया कि जितने भी हमारे पास में एक्सपायर्ड मेडिसिन है या साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है वो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर डाली जाएगी। एक चीज मैंने आपको और बताई थी, वो बताया था केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, देन उसके बाद सेवलॉन सॉल्यूशन होगा, इसो सॉल्यूशन, वो सारे के सारे केमिकल जो है वो इसके अंदर डाले जाएंगे। अब उसमें मैंने की पॉइंट आपको बताया था कि दोस्तों जिसका रीयूज नहीं कर सकते उसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो डीप ब्यूरियल करेंगे या इंसरेशन करेंगे। और इंसरेशन जो हो वो हमारे पास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो मेथड होता है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, या हम प्लाज्मा पायरोसिस करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ब्लू कंटेनर। ब्लू में क्या जाते हैं? मेटालिक और ग्लासवेयर, ये दो चीजें मैंने आपको बताई। अब इसमें एम्पुला भी आ गई, आपकी वायल भी आ गई, उसमें स्लाइड्स भी आ गई, ये सारे के सारी जो है वो चीजें किस में आ गई? ब्लू के अंदर। अब ब्लू वाली चीजें भी हम यूज में ले सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? ऑटोक्लेविंग एंड डिसइंफेक्शन या माइक्रोवेविंग कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में व्हाइट कंटेनर। व्हाइट कंटेनर को जो है पंचर प्रूफ कंटेनर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि 75% भरने के बाद जो है उसको बंद कर दिया जाता है, लॉक लगा दिया जाता है, और ये पंचर प्रूफ होता है क्योंकि इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नीडल जो है वो इसके अंदर आएगी, देन हमारे पास में जितने भी ब्लेड्स है वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर आएगी, इसको भी रीयूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में होगा ऑटो एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का एक सिंपल आपको पता ही है, ब्लैक कलर वाला होता है हमारे पास में जनरल वेस्ट, जिसमें कबर्ड्स, देन उसके बाद जो है वो बोर्ड्स, देन न्यूज़पेपर, देन पेपर, फॉइल पेपर, पॉलीथीन, ये सारे के सारे जो है वो किसमें डालते हैं हमें? ब्लैक कलर के अंदर जो है वो डाला जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं हमारे पास में कि कौन कौन से साइन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बेसिकली जो है वो चार प्रकार के साइन आपको जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे तीन साइन लिखे हैं, चौथा मैं बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो पहला जो है वो आपने साइन देख रखा है, पहला साइन है हमारे पास में, ये ऐसा साइन है, ये होता है बायोहेजार्ड्स। बायोहेजार्ड्स का मतलब होता है दोस्तों नुकसान पहुंचाने वाला। तो जितने भी हमारे पास में आपने येलो कंटेनर पे जो है वो देखा होगा, येलो कंटेनर पे जो है वो देखा था बायोहेजार्ड्स का जो है इस तरीके का साइन, येलो पे आप जाके देख लेना, ये होता है बायोहेजार्ड। ये होता है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक क्या होता है? बहुत ही जहरीला, ठीक है दोस्तों? तो ये हो गया हमारे पास में, ऐसा साइन देखेगा देन साइटोटॉक्सिक। ऐसा वाला साइन देखेगा दैट इज रेडियोलॉजी। बहुत सारे इम्प्लांट ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव विकिरण जो है वो छोड़ते हैं, या आपको जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, तो आप सीधा जो है वो कल अपने ड्यूटी में जाना और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में घुसना, तो ऐसा साइन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में लास्ट और इंपॉर्टेंट एक साइकिल और आता है, जिसको जो है वो मैं यहां बनाता हूं। आपने जो है वो दोस्तों इस तरीके का जो है वो साइन देखा होगा, ऐसा, देन ऐसा और इस तरीके का, ये ऐसा वाला जो है वो ग्रीन कलर का साइन है। ये साइन जो है वो किसका होता है? ये होता है रिसाइकल का। क्लियर है? इस तरीके का जो है वो अगर आप साइन देखोगे दैट इज रिसाइकल। किसी भी साइन बोर्ड के ऊपर अगर ऐसा देखोगे, इन द सेंस वहां पे जो चीजें है वो रिसाइकल हो सकती है।
क्लियर है। तो ये चार प्रकार के साइन जो है वो बेसिकली आपको किसमें देखने को मिलेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट के। बाकी तो फायर का, डेंजर का, ऐसा बहुत सारे साइन होते हैं। अगर हम सिर्फ साइन की बात करें तो दोस्तों 168 साइन जो है वो हमारे हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं। 168, यू जस्ट इमेजिन दैट कितने साइन होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिया है जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आते हैं उसको। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इसके एमसीक्यू से। एमसीक्यू में जो हो वो आप कितने भी सॉल्व कर लो, चीजें वही रहेगी। कहने का मतलब यही है कि एक एमसीक्यू से भी आप सारी चीजें निकाल सकते हो, कितने भी आप एमसीक्यू से चीजें करो। अगर आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर है तो आपको कोई भी जो है वो मात नहीं दे सकता। एक एमसीक्यू जो हो मैंने एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा उठाया हिंदी में, क्यों? क्योंकि ये सीएचओ के अंदर जो है वो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा सीएचओ के अंदर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने ऐसे कैसे आपको जो है वो आपके सामने रख दिया है ताकि आपको जो हो पता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, यहां पर है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल के अनुसार प्लेसेंटा जो है वो कौन से बैग में डाला जाता है। क्या है दोस्तों कि बायोमेडिकल, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल रूल प्लेसेंटा इज डिस्कार्डेड इन विच बैग। ठीक है, कौन से बैग के अंदर जो है वो प्लेसेंटा को डाला जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया प्लेसेंटा के अंदर जो है वो किसका है, तो मैं नहीं बताऊंगा, वैसे आप बता सकते हो। येलो के अंदर क्या चीजें डाली जाती है आपको पता ही है, येलो के अंदर जो है वो हमारे पास में बॉडी पार्ट है, आंसर भी निकल के आ गया। प्लस चार चीजें याद रखना, बॉडी पार्ट जो है वो इस येलो के अंदर डाला जाएगा, जितने भी हमारे पास में लिनन है या कंटामिनेटेड ड्रेसिंग है वो येलो के अंदर डाली जाएगी, देन हमारे पास में जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो येलो के अंदर डाली जाएगी, और जो हमारे पास में जो है वो हम कह सकते हैं कि जो यूज लेते हैं, जो सॉल्यूशन यूज लेते हैं, वो सारे के सारे जो है वो येलो के अंदर डाले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट लाल, रेड बैग के अंदर, रेड बैग के अंदर आपको पता ही है। अच्छा, येलो बैग के ट्रीटमेंट की बात करें तो येलो बैग का ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? इंसरेशन है, डीप ब्यूरेल है और प्लाज्मा पायरोसिस है। कंफ्यूज तो नहीं होगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपने पढ़ने का तरीका ही ऐसा है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में रेड बैग। रेड बैग के अंदर क्या डाला जाता है? आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो रखनी है प्लास्टिक आइटम, क्लियर है, और दूसरा आपको याद रखना है यूरिन बैग, क्लियर है। ब्लड बैंक किसमें जाएगा? येलो के अंदर। यूरिन बैग और प्लास्टिक आइटम, जितने भी हमारे पास में प्लास्टिक है, कैथेटर है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में सर्जिकल ग्लव्स है, देन हमारे पास में जो है वो ट्यूबिंग है, ये सारे के सारे जो है वो किसके अंदर जाएंगे दोस्तों? रेड बैग के अंदर जाएंगे। और इसका जो है वो ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम करते हैं दोस्तों ऑटोक्लेविंग के द्वारा, माइक्रोवेविंग के द्वारा। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास में ब्लैक। ब्लैक बैग में तो जो है वो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जनरल वेस्ट डाला जाता है जिसमें कोई चीज की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ब्लू बैग। ब्लू बैग के अंदर क्या डाला जाता है दोस्तों? ब्लू बैग के अंदर डाला जाता है ग्लासवेयर, जितने भी शीशे की जो चीजें हैं वो डाला जाता है, स्लाइड से डाली जाती है, और मेटेलिक इम्प्लांट, जो किसी पेशेंट को रोड लगी हुई है वो रोड जब बाहर निकल जाती है तो वो किसके अंदर डाली जाएगी दोस्तों? वो डाली जाएगी हमारे पास में ब्लू के अंदर। और इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों? इसके अंदर जो है वो हम बेसिकली जो है वो यूज में लेते हैं येलो के अंदर, सॉरी ब्लू के अंदर जो है वो हम यूज में लेते हैं ऑटोक्लेविंग वगैरह। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पे ये चीज जो है वो निकल के सामने आ गई है हमारे पास में जो है वो क्लियर आ गया। आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा हमारे पास में ए, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब की पॉइंट ले लेते हैं, जो भी हमारे पास में टीएनसी एक्सप्रेस होती है उसमें की पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। की पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेक्स्ट फ्यूचर में जो है वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो हमारे पास में की पॉइंट के अंदर ही आती है दोस्तों। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम हमारे पास में की पॉइंट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं की पॉइंट से। ये हो गया हमारे पास में की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स में जो है वन बाय वन करके हम ले लेते हैं। पहला जो है वो हम ले लेते हैं दोस्तों की पॉइंट में, पहला आ जाता है हमारे पास में क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी जो है वो स्टेज होती है, कितनी जो है वो हमारे पास में बायो में, या स्टार्टिंग से ले लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो कब से शुरू हुआ था। तो दोस्तों 1986 में जो है वो इसका अमेंडमेंट बना था, और अप्लाई कब हुआ था? तो आपको जो है वो अप्लाई का ध्यान में रखना है, 1998 में जो है वो अप्लाई हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना, ये दोस्तों अमेंडमेंट जो है वो हमने बनाया था, लागू कब किया था? 1998 में। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी सर 1986 है, 1986 में एक पारित किया गया था कि ऐसी चीज होनी चाहिए। लागू कब किया था?
इंप्लीमेंट किया था 1998 में, क्लियर है। तो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना। सेकंड आ जाता है हमारे इसके अंदर कि कौन सा जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो दोस्तों किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, आपको याद रह जाएगा, डोंट वरी। कैसे, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और जो डिस्कार्ड करते हैं वो उसका सीधा असर आता है हमारे पास में फॉरेस्ट पे। तो ये किसके अंदर आता है, यह आता है हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। देन नेक्स्ट आता है कितनी स्टेप होती है, दोस्तों टोटल जो है वो हमारे पास में 5 स्टेप होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। कौन कौन सी होगी, सबसे पहले सेग्रीगेशन आता है, देन उसके बाद कलेक्शन आता है, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आता है, स्टोरेज आता है, देन उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट आता है, लास्ट आता है हमारे पास में डिस्पोजल आता है, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में जो जितने भी हमारे पास में डिस्पोजल वेस्ट है उसको हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मैक्सिमम जो है वो 48 आवर्स तक जो हम स्टोर करके रख सकते हैं, इससे ज्यादा स्टोर जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर नहीं किया जाना चाहिए, क्लियर है। 48 आवर जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, इससे पहले ही जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए, इससे ज्यादा स्टोरेज नहीं करना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद में आता है हमारे पास में दोस्तों वेस्ट जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है जनरल वेस्ट और एक होता है हमारे पास में हॉस्पिटल वेस्ट, क्लियर है। जनरल वेस्ट आपको पता ही है, हॉस्पिटल वेस्ट होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, ड्यूरिंग रिसर्च, जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं हॉस्पिटल वेस्ट, क्लियर है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो मेन ट्रीटमेंट कौन सा होता है, तो दोस्तों इंसरेशन जो है वो सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है। इंसरेशन जो है वो सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है वो होता है हमारे पास में इंसरेशन, क्लियर है। उसके बाद लास्ट जिसको मैं स्टार बना के लिखूंगा वो ये चीज है कि दोस्तों किस बैग के अंदर कौन सा डाला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये ऑलरेडी जो है मैंने आपको डिस्कशन में जो है वो बता दिया है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को जो है वो हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ में जो है वो नई टीएनसी के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। उससे पहले मैं आपको एक चीज और कहूंगा दोस्तों कि सफल होने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो दोस्तों दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं, असफल आदमियों को वही चीज मिलती है जो सफल आदमी जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं, या आपको अब तक जो है वो सफलता नहीं मिली है, इन द सेंस आपने अब तक वही काम किया है जो आप करते आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अब तक वही काम किया है तो आपको वही चीज मिलेगी, अगर आपको कुछ अलग पाना है तो उसके लिए आपको अलग मेहनत करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, हार्ड से हार्ड टॉपिक बताइए जिसमें आपको दिक्कत है, या आपको जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन नंबर गेन करने हैं वो टॉपिक बताइए, उसको ईजी करने का काम हमारा है। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, टाटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।